बता रखे, लेकिन मैं भी जुगाड़ू बताऊं। अमित शाह जुगाड़ू है, बोलिया हुआ है, वॉशिंग मशीन में धोयो और साफ है सारा केस, सब माफी। जगह दिन चक्की पिसिंग हो रही, वो अजीत पवार है जो आज मांगो उप मुख्यमंत्री बैठे, और भी ने वो खजानो और दे दियो कि तू और लूट ले। तूने तो खुद वो मोदी आगे चुनाव लड़े, जब बताओ बिन जामनी जब्त क्या करे, लोगों की सुनी भी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के दोरासर गाँव में हूँ। गाँव के काफी लोग हैं हमारे साथ हैं, इनसे गाँव का हाल भी जानेंगे। और जो जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, गाँव में जो चौपाल पर चर्चाएं हैं उनमें भी सरगर्मी बढ़ गई है। और एक आंकलन जो गाँव का अब निकल के आने लगा है, क्योंकि जो बिसात थी वो पूरे तरीके से बीत चुकी है और कुछ दिन बचे हैं मतदान में। तो सबसे पहले जानेंगे गांव के बारे में। राम राम साहब, सबसे पहले परिचय, के नाम है तारो? मेरा नाम अजीत। अच्छा, गांव का ही हो, ठीक है। हाँ, गांव के बारे में बात कर लिया, कितनी बड़ी पंचायत है और कौन सो गांव आवे है, कितना वोट है? तीन गांव की पंचायत है हमारे, दोरासर, खतेपुरा और जाखड़ो गांव बस। और लगभग 1920 वोट तो हमारे गांव में है और 1600 वोट उन दोनों गांव में मिला के। अच्छा, पोलिंग कितनी को जाए पीछे के चुनाव? 70% के समथिंग पोलिंग होगी। अच्छा, कौन कौन से समाज के इन लोग? हर समाज के लोग हैं। अच्छा, मेघवाल भी हैं, जाट भी हैं, लगभग हर समाज। मेरे हिसाब से जाट ज्यादा दिखे गांव में, जाट ज्यादा है ना? हाँ, जाट ज्यादा। के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, एलडी बार कहें कि समीकरण रहा कठिन, वोट पड़िया पिछली बार भी वोट लगभग आधे वोट गए थे। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस? हाँ, बीजेपी और कांग्रेस की। तो और जगह बसपा, आम आदमी पार्टी, इनके एएसपी कोई पांच पांच चार चार वोट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपके के ढंग है? अब का तो बढ़िया है साहब की को विजेंद्र सिंह को, विजेंद्र जी को। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, विजेंद्र सिंह की बढ़िया आव है। कारण क्या भाई, विजेंद्र जी को काम किया है? काम किया जगह पंचायत में तो दोरासर से और खतेपुरे की सड़क बनाई है, पिछले दो महीने के अंदर बन के तैयार हो गई। स्कूल की बाउंड्री के लिए उनको निवेदन किया था, वो बाउंड्री बन के तैयार हो गई है। स्कूल में ट्यूबवेल की समस्या थी, उसका किया तो ट्यूबवेल बन गया है। और भी जो चुटमुट काम थे बताए, वो सब काम किए हैं। अब की बार जो है राजेंद्र जी भामू, पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी है और टिकट काट दी, बबलू जी ने अब का टिकट दिया है। तो गेल्डी बार आड़ो सेम समीकरण है, पिछली बार भी तीनों कैंडिडेट यही मैदान में। अब की बार भी बस बीजेपी को थोड़ा सा बदलाव हुआ है, टिकट अठिन अठिन हुई है। के लगे पूरी विधानसभा में के रहो? पूरी विधानसभा के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो पिछली बार स्थिति थी दोनों की उससे डाउन जाएगी इस बार। अच्छा, विजेंद्र जी को ज्यादा वोट मिलेंगे। एक साइड में अभी चर्चो ज्यादा हो रही है कि बीजेपी को रोड़ो है, लोगों के जबान पर बीजेपी को, बीजेपी का कैंडिडेट कैसा है सबको पता है। अच्छा, जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो सबको पता है कैसा आदमी है, कहे को आदमी है बताओ। आदमी जी भू माफिया बता रहे हैं और भी कई प्रकार के उसके ऊपर मुकदमे हैं। मतलब बीजेपी का इनसे का आपस में ही लड़न लाग रहे हैं बागी एरिया, क्यों? यही बात है, यही बात है बिल्कुल। और विजेंद्र जी ने विकास करवाया, विकास के नाम पे जनता वोट करेगी। हमारे गांव में तो जितने भी विकास कार्य है ना, वो विजेंद्र जी ने करवाए और एकदम साफ छवि के व्यक्ति हैं, ना इनके ऊपर कोई दाग है ना कोई कुछ हो रहा है। शेष राम जी का नाम? हाँ, शेष राम जी के नाम पर। हाँ, यही है ये बात। हाँ, 15 लाख दिया आने, मैं खर्च को नया मारा हूँ तो, और कह खर्च होगा ने। अच्छा, जब काफे बोल रहे हैं की बाकी रोजू भेज दे वो 15 लाख। अच्छा, अरे मारला बच रहे हैं, थारला खत्म आया, पढ़ना पड़े ही खर्ची को नहीं करे पाऊ रुपये। अरे दो ऐसे टापर नौकरी लाग रहे, 2 करोड़ साल का दे तो 18-20 लाख तो लाग गा, मतलब भी बात को है वादा कर। नौकरी लाग रही है युवा ही, सह नौकरी लाग रहे हैं हम, कोई को नहीं, 15 लाख की जगह सह पड़े ही। तो बदलो ले रहा हो गया, बदलो तो लेना ही है। ढंग लगे फिर पूरी विधानसभा में 70,000 प्लस हूँ, विजेंद्र जी ओला जीत रहे हैं 70,000। हाँ, 70,000 प्लस हूँ। तो फिर ऐसे का कैंडिडेट बीजेपी आपको उम्मीदवार उतारे है? उम्मीदवार तो सदा ही उतारा करे। अच्छा, मतलब सेम ही गणित, सेम को नहीं डबल हो रहे है। अच्छा, हर गांव से वोट बढ़े ही, मेरे गांव से पिछली बार डबल वोट हो रहे हैं। अब की बार गिल्डी बार कितना मिला? कितना कितना भी मिला, अगर 500 मिला तो अब की बार 1,000 ही तो कोई नहीं हो। कितना संख्या बताओ? मेरे गांव में पिछले साल 404 वोट मिले, 808 ऊपर जब वोट मिलेगा 800 वोट गिर जाएगा जी, ज्यादा ज्यादा। वही एक अलग तरीका को उत्साह नजर आ रहा है जगह लोग हैं सारा ना। और बात एक है कि विजेंद्र जी के पक्ष में मतदान के लिए करना चाह रहे हैं कि विकास का काम ही गाँव में करे, और भी थे काम गिना रहा, और कौन सा काम ही जगह करे। शुद्ध आदमी है, इकाई करेडा ही, ओला जी का ही करेडा ही, यहाँ का पिताजी दूसरी बात यह है कि मैं तो खुद बदनसीब आज कोई तो झूठो मान प्रधानमंत्री मिलो गुस्सो भी पर है, सरेआम झूठ बोला भी का कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, प्रधानमंत्री लायक है क्यों? झूठ गिना भी दो तो कौन कतिक बताऊं, बताओ दे तो जितना भी। पहली तो वो कणा तो चलो जा है, बोलो मैं बांग्लादेश की आजादी में जेल गयो,
बिना यह पूछना हुआ कि कौन सी जेल में गयो तू, पाकिस्तान की में गयो, मीडिया कोई सवाल कर। प्रधानमंत्री जी तो झुंडू आया से ना भी कहो बोले मेरे झुंडू भी रिश्तो है, सगले रहे भी को रिश्तो, सगले रहे भी को रिश्तो, झूठ बोलना भी को काम हो रहे है। मतलब लोकसभाओं पहली हो सको सेमीफाइनल है ई कमा रंग दिखा दे भी गए को तो सब्जेक्ट पटेड़ो जो को बेरोखन कठे वो एक मात्र वो करेड़ो है। संडे की भी मार्कशीट बनेड़ी है, कोई डिग्री है जी की संडे की बनेड़ी है, कौन सी को ले जावा। अच्छा छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन भी डिग्री है साफ है बात। तो केजरीवाल तो डिग्री मांगे भी है दिखाई को नहीं, तो केजरीवाल का जुर्मानो कर दियो साहब। मीडिया ने खरीद रखे कोई एक आधो है तार शहर को और बाकी तो सवाल ही कौन करे। आज तक कोई मीडिया वाला सवाल करे मोदी जी इनकी झूठ क्यों बोला है। बामू जी बहुत बड़ी आदमी है, हमारा कोई दिक्कत को ना, लेकिन ये कांग्रेस ही लायक आदमी है, बीजेपी लायक आदमी कौन, बीजेपी तो गुंडा लुटेरा की पार्टी है। एमपी की टिकट में क्या मानो हो जाए अगर बामू जी ने मिलती, कोई नहीं मिलती बीजेपी की टिकट, कोई नहीं मिलती। एक कैंडिडेट हो तो यह लीड है जी लाख ऊपर जाती, दो होगी जना बस 70,000 रह जाएगी। अच्छा ओके फिर अंतर है तो बस अब आदमी बढ़ेगा तो वोट तो बटेगा। अच्छा क्या बात है, मतलब तारे हिसाब विजेंद्र जी तय ही पूरा तो खुद वो मोदी आके चुनाव लड़ा जब बताओ बिन जामनी जब कह करा लोगों की सुनी भी चुनाव भाई। एक मोटो मोटो सा जो आकलन दोरासर गांव का जगह लोग और बीजेपी के प्रति तो जो आपको गुस्सा है हम कहना यो ऐसे बीजेपी की टिकट कोई ना भी देता, अंतर यो ही रहता और दाव कर रहे हैं कि विजेंद्र जी 70,000 क्रॉस करके चुनाव जीतेगा। गांव भी लीड देने को विचार है कि गांव बिल्कुल गांव से लीड आएगी हमारे गाँव से दोरासर से। अच्छा भाई दोरासर गाँव का कुछ लोग अपने साथ था और विकास के नाम पर अग्निवीर के कारण ये युवा इन जगह से गुस्सा है। तैयारी करता बेचारा ग्राउंड बना रखे भागता दौड़ता अब क्या करे चार साल के लिए। बीजेपी की जिकी विचारधारा जिकी योजना ही जगह वादा है बागे खिलाफ सब खत्म है। दो लोगों की पार्टी है, कोई बीजेपी नहीं है, बस मोदी और अमित शाह एक तो वो तड़ी पाड़ है बस बिन बह का चाहे लीडर चाहे गुंडा मवाली पर सारा पार्टी पर रखे जो चोर है बिन लियाओ। मतलब तो इजा इजा पर 70,000 करोड़ का घोटाला इजा चुनाव विजेंद्र जी वर्सेस मोदी तो को नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल यही बात है बिल्कुल। मतलब कैंडिडेट को नाम चुनाव लड़के तो देखो। अच्छा मैं बताऊं बिन क्या है वो है भाई अब तो को नहीं लेकिन लोकसभा में करोगे खुद आओ विजेंद्र के सामने आओ मैं बताऊं बिन क्या है चुनाव है। अग्निवीर है जवानी है जीएसटी है नोटबंदी है नोटबंदी में जगह का शादी ही बाकी क्या हालत थी। मतलब जगह बड़ा काम करया बस सही घाटम गया बिल्कुल घाटम गया सर बिल्कुल घाटम। मोदी के इकट्ठा हो रहे हैं जितना भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार बन गई भी के बाद में एक ही दिन कमाए सारा भ्रष्टाचारी जेल में। देश का दुर्भाग्य कि ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं कौन से एंटी पार्टी के पढ़ रहे हैं विपक्ष के पढ़ रहे हैं चाहे महाती के पढ़ो अखिलेश के जटे जटे स्टेट के माई इलेक्शन भेजा धड़ा धड़ सब आदमी दूध से धुले हुए हैं। उन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं किया किसी भी एक भी बीजेपी के लीडर के छापा पड़ा ईडी का तो बताओ। मतलब बात यह है कि अब जनता समझ लगी है जैसे की रणनीति ही यह समझ लगी बता रहा है लेकिन मैं जुगाड़ू बताऊं अमित शाह जुगाड़ू है बोलिया हुआ है वॉशिंग मशीन में धोयो और साफ है सारा केस सब माफी जगह दिन चक्की पिसिंग हो रही वही अजीत पवार है जो आज मांगो उप मुख्यमंत्री बैठे और बिना वो खजानो और दे दियो कि तू और लूट ले। मतलब एक बात अगर देखो जाए तो जगह गांव तक भी है गांव डाणी ताणी भी जगह बीजेपी का जगह कुछ योजना ही बाको विरोध है बीजेपी का जगह लीडर ही बाको विरोध है और झुंझुनू विधानसभा के तो दोरासर गाँव की बात करा तो ये तो लोग इस चुनाव ने विजेंद्र ओड़ा वर्सेज मोदी मान रहे हैं मोदी जी का नाम पर अठी ने बीजेपी का जो उम्मीदवार है वह मोदी जी का नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो विजेंद्र ओड़ा का काम ही बाको ऊपर ये मतदान देने को मान बना रखे है। धन्यवाद।